जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं काले नमक की। जी हाँ, काला नमक हर घर में होता है। काला नमक मोटापा, उच्च रक्तचाप, जोड़ों के दर्द जैसी तमाम बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। काले नमक में सुगंध सल्फर के सॉल्ट के कारण आती है। काला नमक अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर होता है। काले नमक में 80 तरीके के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पेट का हाजमा सुधारने में काला नमक बहुत उपयोगी होता है। काला नमक नाम से भले ही काला हो, लेकिन इसके फायदे जानकर आप सचमुच में हैरान हो जाएंगे। तो आइए बिना समय जाया किए विस्तार से काले नमक के फायदे जान लेते हैं। काले नमक में काफी मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं। इनमें से कई एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं, जिससे हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरियाज का नाश हो जाता है। काले नमक और लाल टमाटर का मिश्रण बालों पर लगाने से रूसी शीघ्र समाप्त हो जाती है। दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए साधारण नमक की बजाय काला नमक काफी फायदेमंद होता है। इसे खराब कोलेस्ट्रॉल और शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। काला नमक हमें अच्छी नींद लाने में काफी मदद करता है। जोड़ों के दर्द को ठीक करने में काला नमक बहुत उपयोगी साबित होता है। गर्म पानी में काला नमक मिलाकर दर्द वाले हिस्से में सिकाई करने से दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि आखिर नमक को खाना कैसे है, तो जैसे आप सफेद नमक अब तक खाते आए हैं, उसी तरह आप काले नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी सैलेड में भी डालकर ये खा सकते हैं और सब्जियों में डालकर भी ये खा सकते हैं, दही में डालकर ये खा सकते हैं। अगर आप नींबू की शिकंजी बना रहे हैं तो नींबू की शिकंजी में भी काला नमक मिलाकर आप खा सकते हैं। दोस्तों इसके खाने का कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। आपको जहां नमक की जरूरत होती है वहां अपने सफेद नमक को हटाकर काला नमक का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।